ओम शांति। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, देना अपने को भी नहीं देना। आपके आप अपने आप को देते हो तो प्रकृति को तो दुखी करते हो ना, तो प्रकृति आपके सबसे नजदीक है, है? किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी नहीं। और सबको पता होता है सामने वाले को दुख कब होगा, तभी तो देते हैं ताकि उसको पता चले दुख क्या होता है, वरना तो सबको ये पता होता है मेरे किन बोलों से सामने वाले को सुख मिलेगा, नहीं पता। अब टीचर कहे पढ़ लो, अब स्टूडेंट कहे हम दुखी हो रहे हैं, हमें दुख मत दो ना, हमें पढ़ने के लिए को सुधर जाओ, टीचर कहे सुधर जाओ, तो ये भी देखना है कि आपस में आप जब करते हो ना ऐसे दुखी करते हो एक दूसरे को, तो पता होना चाहिए मैंने दुखी किया उसको और फिर खुद को भी दुखी किया है। क्रोध करोगे तो दुख नहीं होगा, खुद भी जलोगे दूसरों को भी जलाओगे। तो मनसा माना, मनसा में माना बुरे विचार नहीं आने चाहिए किसी के लिए, वाचा से बुरे बोल नहीं बोलने हैं, कर्मना एक्टिविटी से ऐसा किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि एक्टिविटी से भी हम बहुत दुख देते हैं। तो मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं, बुरे संस्कार सब में है, बात देखनी है कि आपने यूज क्या किया, बुरा संस्कार अच्छा संस्कार, नॉलेज भी दोनों की हमारे पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को इसका ज्ञान नहीं है, यहां बैठे तो कोई भी नहीं कह सकता। कोई भी कर्म ना हो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि याद रखना पुराना खाता खत्म करने के लिए याद की यात्रा कर रहे हो, और अगर ज्ञान से ये समझा ही नहीं कि नए विक्रम बनाना नहीं, तो फिर क्या समझा? स्टोरेज नहीं करो, पुराने को खत्म करने के लिए मेहनत चल रही है, नया नहीं बनाना। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं, माना इस समय हमारा पाठ जो है भगवान के साथ बज रहा है, ये अपने आप में श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान भी नीचे और हम भी इस समय खुली आंखों से खुले दिमाग से और सब कुछ देख पा रहे हैं कि भगवान क्या कर रहा है और हमें क्या सिखा रहा है, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। जो ये मान के अपने पार्ट को जज करता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। माना अगर सोचो, पहले ही कहते थे कि अगर भगवान आए हमें बस पता चल जाए तो हम कितने भाग्यशाली होंगे, यहां तो भगवान हमारे साथ पार्ट बजाता है तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए स्वयं को समझना भी पड़ता है कि अपने पार्ट को देखो कितना अच्छा मेरा पार्ट है, जो इस तरह से सोचता है विचार करता है तो वही वो अच्छा पार्ट बजा पाता है, वरना पार्ट तो अच्छा मिला लेकिन एक्ट अच्छी नहीं की, तो इसलिए नए विक्रम नहीं बनाना। अच्छा, ओम शांति।